भीम सिंह, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? भीम सिंह आराम से, क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी रोको भीम सिंह, गाड़ी रोको। अरे आगे देखो, गाड़ी रोको। इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें जल्द से जल्द यहां से जाना होगा। चलो। मैंने कहा भी था सितारा को, मैं साथ में चलता हूं। सुनती नहीं है किसी की, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। दीदी, अब आप क्या करने वाली हैं? सितारा की कार, सितारा, भीम सिंह, भीम सिंह, सितारा कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? अपनी शक्तियों से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि सितारा कहाँ है। कहाँ है सितारा? विराज, सितारा यही रोड के आसपास है, हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। जल्दी चलो। चलो सितारा, रुको विराज। सितारा, 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 तुम ठीक हो? हाँ, आप कभी नहीं सुधरेगी ना, बस अब और नहीं।
आज आपको आपके कर्मों का हिसाब देना ही होगा। आज आर, आज आर, या तो पार, या तो पार। नहीं सूर्या, ये मेरे और मेरी माँ के बीच की लड़ाई है, कोई बीच में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसी बात है सितारा, तो आज जंग सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होगी, और आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। आज की ये लड़ाई सिर्फ सितारा और मेरे बीच है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सितारा और मेरे बीच की है, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। या तो आज सितारा रहेगी या मैं।
तुम बहुत मच जाओगी सितारा। आपने मुझे चोट दी और मैंने उसका हिसाब चुका दिया, लेकिन अगर आप अपनी जान बचाना चाहती हैं, तो मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगी, वरना इतना तो आप जानती हैं कि अगर आपका खून इसी तरह बहता रहा तो आपकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और आप विषकन्या नहीं रहोगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं विषकन्या थी और मरते दम तक विषकन्या रहूंगी, और मुझसे मेरा यह हक कोई नहीं छीन सकता। सुना तुमने? हंसी आती है मुझे आपकी नजरअंदाजी पर। दिखता सच भी नजर नहीं आता आपको। आपके खून का हर कतरा महामार से मिल रहा है जो कभी वापस नहीं आएगी। दीदी, दीदी। छोड़ो सितारा। सही कहा तुमने सितारा, मुझे तुम्हारी हर बात समझ में आ रही है। तुम बस बस मुझे छोड़ दो। मैं आज तक एक विषकन्या बनकर रही हूं और मरते दम तक एक विषकन्या रहना चाहती हूं। बस मुझे छोड़ दो। बस यही एक पहचान याद है आपको? इतनी आसानी से आप भूल गए कि आप मेरी माँ भी हैं। वो माँ जिसके लिए मैं जिंदगी भर तड़पती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन जब आप मुझे मिली तो प्यार की जगह नफरत और जहर की सौगात मिली मुझे। कभी कभी तो ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि कहीं मैं आपकी तरह ना बन जाऊं। इसलिए आज मौका मिलने के बावजूद भी मैं आपकी जिंदगी बख्शती हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर शर्त, मुझे सब कुछ मंजूर है। वादा कीजिए, वादा कीजिए कि आज के बाद, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद, कभी भी, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी, तो खाइए महामा की कसम। मैं आज, तुम्हारे सामने, महामा की कसम खा कर, कहती हूँ, मैं आज के बाद, कभी भी, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा। ये आप क्या कर रही हैं? दीदी, आप ठीक तो है ना? सितारा, दीदी आप ठीक है? दीदी चलिए, दीदी। सितारा, अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर हो गई है, घर लेके चलते हैं जल्दी। हाँ विराज। अभी थोड़ी वीकनेस है, तुम्हारी वजह से पता चल गया सितारा कहां पे थी, तो हम उसे ले आए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू कैसा विराज, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तुम हेल्प के लिए आ जाते हो, कौन हो तुम, कहां से आए हो? आई मीन जो तुम करते हो वो कोई अपना ही कर सकता है, जैसे
जैसे कोई भाई अपने भाई के लिए करता हो। आराम से बैठे। नहीं दीदी, आप उदास मत हो, आपका बदला हम दोनों लेंगे। आज जो सितारा ने किया ना, उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैंने मामा की कसम खाई है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी। मेरी शक्तियां मेरी होने के बाद भी मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं एक साधारण इंसान बनकर रह गई हूं। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे दीदी। नहीं सुरीली, मैं किसी भी हाल में महामा को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो अब क्या होगा दीदी? मैं किसी भी हाल में अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। किसी ना किसी तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं सितारा का अंत तो जरूर करूंगी, चाहे ऐसा करने के लिए मुझे अपना शरीर ही क्यों ना त्यागना नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी दीदी, ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। अब तुम दोनों ऐसे रोकर मुझे कमजोर मत करो। कम से कम ऐसा करने से मुझे विषकन्या के रूप में मरने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। मैंने अपना पूरा जीवन एक विषकन्या के रूप में बिताया है। अगर मेरे पास मेरी शक्तियां ही ना हो तो इस अधूरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि मैं अपनी शक्तियां किसी को दे दूं। किसी और को? आप अपनी शक्तियां किसको देंगी दीदी? तलबीली, महामाता की मूर्ति के पास एक विषायन पुस्तिका रखी है, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। इस पुस्तिका के सातवें अध्याय को खोलो। सितारा में विष और अमृत दोनों है और बहुत जल्द उसी के अंदर का विष उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सितारा ही सितारा को खत्म करेगी।